वज़ीर-ए-आज़म के खिलाफ तोहीन अदालत केस में सुप्रीम कोर्ट ने नए अटॉर्नी जनरल इरफान कादर को प्रोसिक्यूटर मुकर्रर कर दिया। कराची के इलाके लियारी में एक शख्स की हलाकत के बाद फिर कशीदगी, पुलिस और शरपसंदों के दरमियान फायरिंग, क्रैकर हमले, एक शख्स जाम हाथ, 6 अफराद जख्मी, लोग घरों में महसूर, कारोबार बंद। सियाचिन के गैरी सेक्टर में बर्फ तले दबे जवानों तक पहुंचने के लिए इमदादी सरगर्मियां, सातवें रोज भी जारी, रेस्क्यू ऑपरेशन में हिस्सा लेने के लिए स्विस और जर्मन माहिरीन की टीमें भी ग्यारी पहुंच गयी। कराची स्टॉक मार्केट में तेजी का रुझान, ट्रेडिंग दौरान 100 इंडेक्स में 300 पॉइंट्स का इजाफा, इंडेक्स 14,000 की हद उबूर कर गया। अमरीकी सफीर कैमरन मंथन ने कहा है कि पार्लियामेंट का एहतराम करते हैं, अमरीका पाकिस्तान के साथ हल तलब मसाइल पर मुजाकरात के लिए तैयार है। पाकिस्तानी जेलों से रिहाई पाने वाले 33 कैदियों को वाहगा बॉर्डर पर भारतीय हुकाम के हवाले कर दिया गया। लाहौर में यंग डॉक्टर्स की हड़ताल दूसरे रोज भी जारी, सरकारी अस्पतालों में ओपीडी बंद, मरीजों को शदीद मुश्किलात का सामना। और ऑस्ट्रेलवी डाकिये को मोटरसाइकिल पर करतब दिखाना महंगा पड़ गया, वीडियो मंजर पर आते ही नौकरी से फारिग।